सड़सठवें स्थापना दिवस पर LIC ने किया पौधारोपण। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 67वें स्थापना दिवस के अवसर पर कैंट रोहिणी नर्सरी गुना में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें नर्सरी में छायादार फलदार एवं औषधि युक्त वृक्षों का रोपण किया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम के शाखा प्रबंधक ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया जी के द्वारा बताया गया है कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए वृक्षों एवं पौधों का लगाया जाना बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने बताया कि पौधे एवं वृक्षों को लगा कर ही जीवन बचाया जा सकता है। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में वन रूपणी कैंट के अधिकारी PC शर्मा एवं भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकारी कर्मचारी एवं अभिकर्ता साथ ही उपस्थित रहे। बताइए साथियों, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना दिवस 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी। इसी के तत्वाधान में हम हर प्रतिवर्ष बीमा सप्ताह मनाते हैं। इस वर्ष चूँकि हमारा थीम था प्लांट ए लाइफ, सेंट्रल ऑफिस की तरफ से हमारे इंस्ट्रक्शंस थे कि प्रत्येक निगम कर्मी, निगम से जुड़े हमारे सारे अभिकर्ता साथी, सभी लोग कम से कम लाइफ प्लांट करने के लिए अर्थात पौधों का रोपण करेंगे। तो बीमा सप्ताह के अंतर्गत भी हम इसी मुहिम को चालू रखते हुए प्लांट लाइफ के तहत हम अपने सभी साथियों के साथ वृक्षारोपण का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए आज 3 सितंबर को यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे किस्म के पौधे का रोपण किया हमने, जिसमें हर बहेड़ा और कुसुम के पौधे रोपित किए गए हमारे साथियों द्वारा। ये कार्यक्रम पूरे वर्ष निगम की तरफ से जारी रहेगा। जो भी कोई ओकेजन आएंगे उसमें हम वृक्षारोपण को करते रहेंगे, क्योंकि जीवन यदि बचाना है, जीवन को सरल बनाना है, तो हमें पौधों का रोपण अति आवश्यक है हमारे सबके जीवन के लिए। धन्यवाद साथियों जो आज इस कार्यक्रम में इकट्ठे हुए, और बीमा सप्ताह के अंतर्गत और भी कार्यक्रम जो होते रहेंगे उनमें हम सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान हमारे वन रोपणी के निदेशक PC शर्मा जी का बहुत ही अमूल्य सहयोग मिला हमें, और शर्मा जी के द्वारा हमें जो हर बहेड़ा और इसके पौधे रोपित करने के लिए प्रेरित किया गया है और पौधे उपलब्ध कराए गए। धन्यवाद शर्मा जी। अपडेट मीडिया के लिए गुना से इदरीस मंसूरी के साथ अभिनय मोरे की रिपोर्ट।